हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये बेटा कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, जिसमें बेटा अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ लिया था कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट, उसकी कर्व, उसका टेबल, उसको हमने अच्छे से समझ लिया था। आज बेटा हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, एग्रीगेटेड डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू, जो कंपोनेंट्स है ना एग्रीगेट डिमांड के, वो हम दो अलग अलग इकोनॉमीज में रीड करेंगे। एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स एग्रीगेट डिमांड किन चीज़ों को मिला के काउंट करी जाती है, और ओपन इकोनॉमी में। अब क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी को अच्छे से समझो भाई। क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, ठीक है, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, विल बी क्लोज्ड, वो बंद होगा, ठीक है ना, वो करा नहीं जाएगा, वो बंद होगा, ठीक है ना। जैसे हम किसी कंट्री के साथ कोई लेन देन ना करें तो हमारी इकोनॉमी क्या बन जाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाएगी। तो ओपन इकोनॉमी क्या है भाई, ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना, यानी कि व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है ना, ओके। यानी कि तो उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ओपन इकोनॉमी कौन सी है, जब हम दूसरी कंट्री के साथ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डालना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी है भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग तो वो वाली इकोनॉमी आ गया जहाँ पे हम दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ओपन इकोनॉमी क्या आ गया, जब हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है ना, उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो सबसे पहले ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी का ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्रीगेट डिमांड को क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में समझ पाओगे। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए चार सेक्टर्स, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में चार सेक्टर्स करवाए थे इकोनॉमी में, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने कौन सा सेक्टर करा था, हाउस होल्ड सेक्टर। नंबर 2 पे हमने करा था प्रोड्यूसर सेक्टर। नंबर 3 पे हमने क्या करा था, गवर्नमेंट सेक्टर। और नंबर 4 पे हमने क्या करा था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड, और यही चारों सेक्टर हमने लेके चलने हैं, ठीक है। चारों सेक्टर यही वाले डिस्कस करने हैं हमने, कौन कौन सा सेक्टर भाई, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ, हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, और नंबर 2 पे कौन सा सेक्टर आ गया भाई, प्रोड्यूसर सेक्टर आ गया, ठीक है। और नंबर 3 पे कौन सा सेक्टर आ गया भाई, हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा सेक्टर आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आ गया, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आ गया। ये वाले हमारे पास चार सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, और बेटा गवर्नमेंट सेक्टर, और नंबर 4 पे बेटा हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो देखो बेटा हमें क्या करना है, अब हमें एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में रीड करना है, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी में हम रीड करेंगे। अब क्लोज्ड इकोनॉमी, जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, मे बी टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, वो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी भी हो सकती है, या फिर थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी भी हो सकती है, ठीक है। अब टू सेक्टर में हमने ले, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर तो हमने लेना ही नहीं, ये फोर्थ वाला तो इसमें कैंसिल ही है, वो तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। जब भी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर तो ले ही नहीं सकते भाई, बाहर वाली कंट्री का तो इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, व्हेन देयर इज नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन द इंटरनेशनल विद द इंटरनेशनल कंट्री, ठीक है ना। तो हम ये तो हम ले ही नहीं सकते। तो हमारे पास ये तीन सेक्टर बचे, कौन कौन से बचे, एक तो हाउस होल्ड, एक नंबर 2 पे प्रोड्यूसर, और नंबर 3 पे गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम समझेंगे सारी चीज को अच्छे से, ठीक है। तो देखो बेटा, क्लोज इकोनॉमी में हम ज्यादा से ज्यादा 2 सेक्टर डिस्कस कर सकते हैं या फिर 3 सेक्टर। अगर हम 2 सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो हम कौन से 2 सेक्टर डिस्कस करेंगे,
हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, ये वाला दो सेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम दो सेक्टर डिस्कस करेंगे तो कौन से करेंगे, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर डिस्कस करेंगे और नंबर दो पे हम प्रोड्यूसर सेक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जब हम ये दो सेक्टर डिस्कस करेंगे तो हम गवर्नमेंट सेक्टर को भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो स्पेशली देर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, इस चीज को अब आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो जब हम टू सेक्टर ले रहे हैं तो सिर्फ वो दो सेक्टर कौन से होने चाहिए, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होना चाहिए, एक प्रोड्यूसर सेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा सेक्टर डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम गवर्नमेंट सेक्टर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर, और जो हाउस होल्ड सेक्टर का क्या काम क्या होगा भाई, हाउस होल्ड सेक्टर का काम होगा कंजम्पशन करना, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स को कंजम्पशन के पर्पज से। हम हाउस होल्ड पर्सन है, ठीक है, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ों को खरीदते हैं भाई, ठीक है। तो हाउस होल्ड का काम क्या है, चीज़ों को परचेज करना कंजम्पशन के लिए, ठीक है। और प्रोड्यूसर का काम क्या है, हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना, ये प्रोड्यूसर का काम है, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स ऑन द अदर हैंड परचेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। तो जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करेंगे उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कोई चीज़ मैं आपको पहली बार नहीं करवा रही, ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दो सेक्टर्स, अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हम टू सेक्टर लेंगे, कौन कौन से लेंगे, एक प्रोड्यूसर सेक्टर और एक कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करेंगे, और उनके द्वारा किए गए खर्च को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और हम जैसे कंजम्पशन जो चीज़ों को यूज़ करने के लिए खर्च करेंगे, यानी कि कंजम्पशन के ऊपर खर्च करेंगे, और हमारा जो खर्च कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनेगा, एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड। जब इकोनॉमी में सेक्टर ही दो है तो मेरा और प्रोड्यूसर का खर्चा दोनों का ऐड हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि लोगों ने कितनी डिमांड करी, यानी कि हम दोनों सेक्टर्स ने मिलकर कितनी डिमांड करी, मतलब कितनी चीज़ें खरीदी, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पता चल जाए तो एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी भाई। तो ये फॉर्मूला है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी में, और आपको मैं बता दूं आपका यही फॉर्मूला हम इस बुक में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी का फॉर्मूला या ओपन इकोनॉमी का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में सिर्फ अभी तक यही है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अभी तक आपके सिलेबस में सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है। तब देखो बेटा आ थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, और जो बेटा थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है इसमें हमने तीन तरह के सेक्टर्स लेने हैं। सबसे पहले तो हमें लेना है हाउस होल्ड सेक्टर, और नंबर दो पे हमें कौन सा सेक्टर लेना है, प्रोड्यूसर सेक्टर, और नंबर तीन पे बेटा हमने कौन सा सेक्टर लेना है, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आप बोलो कि मैम वो ले सकते हैं, इकोनॉमी क्लोज्ड है तो हम ले नहीं सकते भाई, ठीक है। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम तीन सेक्टर्स ले लेंगे, कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर भी एक्सप्लेन कर दिया, अब सिर्फ रह गया गवर्नमेंट सेक्टर एक्सप्लेन करने वाला, वो हम आपको कर देते हैं। जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, कलेक्टिव का मीनिंग क्या है, दोनों तरह का एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, एक तो अपने खुद के यूज़ के लिए चीज़ें खरीदती है या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीज़ें खरीदती है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर्स का काम करती है। गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर की तरह भी काम करती है, गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझना, बस मिस्टेक मत करना बेटा। द गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इट रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन, ये देखो उसने बोला ध्यान से बस, इट रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है ना। तो यही तो उसने बोला कि एक तो ये कंजम्पशन उसका भी काम करेगा, ठीक है ना। आल्सो द गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और देखो जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की कंपनियां भी तो हैं, ठीक है ना, खुद की फैक्ट्रीज भी तो हैं, तो वहां पे भी तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो बिग पुश मिलेगा इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सच एज एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस, रोड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करना, ब्रिजेस बनाना, ये सारा काम तो गवर्नमेंट का ही है। फ्लाईओवर बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना जहाँ पे लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिल सके, है ना, तो ये गवर्नमेंट के काम होते हैं बेटा। तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है वो दोनों को मिला के निकलेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी। और जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है उसको बेटा कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने अगर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला थ्री सेक्टर इकोनॉमी में लेना है तो हम कौन सा लेंगे बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें दोनों तरह का ऐड होगा। ठीक है, अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो सिर्फ ये वाले दो सी प्लस आई, अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आपको करवा दिया है फिलहाल ने इतना अच्छे से। ठीक है, अब बेटा आगे की हम तरफ बढ़ते हैं तो वो हम बात करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी, अगर हम ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़े हम। ठीक है ना, इसको भी अगर हम ध्यान से समझते हैं, ओपन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बेटा ओपन इकोनॉमी है उसमें चार सेक्टर्स, चारों के चारों डिस्कस होंगे, कौन कौन से, बस ध्यान रखना, बार बार इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपके मिस्टेक ना हो। ठीक है ना, इसमें हम चारों के चारों जो हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, कंजम्पशन सॉरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, क्योंकि अब ओपन इकोनॉमी है भाई। ओपन इकोनॉमी का मतलब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे, दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा। ठीक है, ओपन इकोनॉमी का मतलब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए हमारी इकोनॉमी खुली है। ठीक है ना, तो जो ओपन इकोनॉमी है वो देखो, उसने बोला कि इसमें चारों के चारों सेक्टर आ जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर भी आ जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर भी आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी आ जाएगा। अब देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो है उसका क्या काम होता है, जो बाकी कंट्रीज है उनका क्या काम होता है भाई, वो हमसे हमारी कंट्री से चीज़ों की डिमांड करते हैं, वो जो उनकी कंट्री में नहीं पाई जाती या फिर उनकी कंट्री में कम पाई जाती है। ठीक है ना, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट, वो जनरेट करता है डिमांड अपनी पैदा करता है फॉर और गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज पाई जाती हैं, तो हम उनकी डिमांड को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उनको वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं, उनको वो चीज़ें भेज देते हैं। ठीक है ना, दस इस तरह एक्सपोर्ट ऐड टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में हमारे एक्सपोर्ट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम भेजते हैं वो हमारे लिए फायदे की होती है, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलता है, हमें इनकम होती है भाई। ठीक है ना, वैसे ही एक दुकानदार है, एक दुकानदार जितनी ज़्यादा चीज़ बेचेगा उसको उतना ही फायदा होगा भाई। ठीक है ना, तो दस तो इस तरीके से जो एक्सपोर्ट होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड में ऐड होते हैं। ठीक है ना, और जो डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होता है, हमारी कंट्री की खुद की इकोनॉमी को हम डोमेस्टिक इकोनॉमी बोलेंगे। डोमेस्टिक का मीनिंग हमारी इंडिया की इकोनॉमी, अगर मैं बोलूँ डोमेस्टिक इकोनॉमी तो मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो ये डोमेस्टिक इकोनॉमी होता है। बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम दूसरी कंट्री से कुछ नहीं मंगवाते, हम भी तो दूसरी कंट्री से कुछ मंगवाते हैं, जब जो चीज़ों की कमी हमारी कंट्री में पाई जाती है वो चीज़ें हम दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं, तो वैसे ही हम इम्पोर्ट भी तो करते हैं भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इम्पोर्ट जब हम करते हैं, इम्पोर्ट का मीनिंग हम अपनी कंट्री में भी चीज़ें मंगवाते हैं, जब अपनी कंट्री से चीज़ें मंगवाते हैं तो हमारी कंट्री को भी तो पे करना पड़ता है, हमें भी तो पैसे देने पड़ते हैं भाई। ठीक है ना, तो हमारी कंट्री से भी तो पैसा बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो जो इम्पोर्ट होंगे वो एग्रीगेट डिमांड में माइनस होते हैं। ठीक है ना, जो इम्पोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, माइनस होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वाइल एक्सपोर्ट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड, एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड को ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्ट एग्रीगेट डिमांड जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनेगा ये, सबसे पहले सी सी, चारों के चारों सेक्टर लेने हैं बस, इसमें आपने ध्यान रखना है, एक भी चैप्टर, एक भी सेक्टर आपने स्किप नहीं करना, चारों के चारों सेक्टर आपने लेने हैं। ठीक है, एक तो आप लोगे कंजम्पशन सेक्टर, फिर दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट ऐड होंगे, इम्पोर्ट माइनस होंगे, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये बनता है नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला, कि एक्चुअल में हमने क्या भेजा। ठीक है ना,
समझ में आई बात? ठीक है, जैसे देखो मैंने 5,000 की चीजें दूसरी कंट्री में भेजी और मंगवाई कितने की 3,000 की, तो मुझे फायदा कितने का हुआ? 2,000 का। एक्चुअल में मेरे पल्ले 2,000 पड़े, ठीक है ना, तो वो 2,000 मेरा एग्रीगेट डिमांड हो गई, मींस दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के सामान की इतनी ज्यादा डिमांड कर रही है, इतनी हमसे ज्यादा डिमांड कर रही है, ठीक है ना। तो ये बेटे कुछ नहीं थे, ये बस आपके एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले थे टू सेक्टर इकोनॉमी में, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में और फोर सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी में आ गए, और जब हमने फोर्थ सेक्टर खोल दिया तो वो ओपन इकोनॉमी बन गई, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो रीड करने वाले हैं वो सारे का सारा टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में रीड करने वाले हैं, ठीक है, हमारा यही पार्ट है, पोर्शन बनेगा सबसे ज़्यादा, हम टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में सारा कुछ रीड करेंगे, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। तो बेटा इस वीडियो में आपको इसके फॉर्मूलाज के बारे में भी समझा दिया है, एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूलाज के बारे में, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई के बारे में रीड करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।